छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रवासी मजदूरों के क्वारंटीन करने की व्यवस्था के संबंध में पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा की और कहा कि प्रवासी मजदूरों के लौटने पर उनकी जांच, क्वारंटीन की व्यवस्था और स्थानीय ग्रामीणों को सुरक्षित रखना हम सबके लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान गाँव में रोजगार और आर्थिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पंचायतों की प्रशंसा की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला जनपद पंचायत सदस्यों और सरपंचों के साथ प्रवासी मजदूरों की क्वारंटीन व्यवस्था के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा, मजदूरों की व्यवस्था के लिए प्रशासन लगातार संसाधन जुटाने में लगा हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी और स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह ने अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को बैरिकेटिंग, आवास, भोजन, साफ सफाई के इंतजाम के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सिंहदेव ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की गांव वापसी से घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस हवा में नहीं फैलता। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से लौटने वाले लोगों और स्थानीय ग्रामीणों के बीच क्वारंटीन अवधि में सीधा संपर्क नहीं होना चाहिए। सिंहदेव ने पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि आप लोगों की मेहनत और सक्रियता से मनरेगा में छत्तीसगढ़ में देश में सबसे ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। पंचायत विभाग की तरफ से जो व्यवस्थाएं थीं, लोगों के आने की स्थिति में भवनों की उपलब्धता, जियो टैगिंग यदि हो सके तो हर बिल्डिंग को जियो टैग कर लें कि जहाँ जहाँ उनके रुकने की व्यवस्था की जा रही है, और मनरेगा से लेके नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना को लेते हुए अलग अलग विभागों से कैसे समन्वय बना के काम किए जा सकते हैं, जिसको कन्वर्जेंस कहते हैं, तो ये सारी बातों को डिटेल से हम लोगों ने बात किया। बड़ी अच्छी भागीदारी रही और लोगों के बड़े अच्छे सुझाव भी आए। प्रयास हम लोग का यही रहेगा कि एक समय पे भुगतान होता रहे, अधिक से अधिक ना केवल संख्या, अधिक से अधिक पंचायतें भी, अधिक से अधिक घर भी और अधिक से अधिक व्यक्ति भी जो काम चाहेंगे उनको काम मिल जाए। स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग, और क्योंकि बाहर से बड़ी मात्रा में श्रमिक आ रहे हैं, उनका तालमेल कराना था। तो ये मुख्य उद्देश्य इसका यही था कि एक तरफ स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए, क्या क्या इंतज़ाम है, क्या हम सोच रहे हैं करने का, किस इकाई से लोग देख रेख करेंगे। तो जब सब हेल्थ सेंटर है, वो सब हेल्थ सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र हमारा, ये ग्राम पंचायत से लिंक रहेगा। तो उस उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जितने ग्राम पंचायत आते हैं, उन ग्राम पंचायतों में जाके जितने श्रमिक बाहर से आए हैं, लोग बाहर से आए हैं, उनकी जांच करना, उनकी देखभाल करना, पूछताछ करना, ये है। दूसरा, दूरी बना के रखना। इसमें कोई अछूत वाली बात नहीं है, ये स्पष्ट सबके मानसिकता में रहना चाहिए। केवल संक्रमण को रोकने के लिए एक शारीरिक दूरी बना रहे हैं, तो खाना कैसे पहुँचाएँगे, मटेरियल कैसे पहुँचाएँगे, हाथों हाथ न देके एक टेबल रख दिया उदाहरण के लिए, वो सामग्री टेबल पे रख देंगे तो रखने वाला थोड़ा पीछे हट जाएगा, लेने वाला आगे आके फिर सामान ले जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी बातें, नहाने की बातें, पत्तल होगा तो उसको गड्ढा बना के फेंकने की बातें। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।